साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने NA 64 और TP 32 में मौर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। कैसरा इलाही ने अपने वकील फरमान के तवसत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म भी जारी किया है, जबकि उधर सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे बादुल हक से। जी बात आगाह कीजिएगा। जी कैसरा इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कौमी और सूबाई असेंबली में उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त पर उन्हें इलेक्शन जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को इस बारे में दरख्वास्त भी दी, लेकिन इनकार कर दिया गया। दरख्वास्त में सदा की गई है कि उन्हें इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए और मोर का इंतखाबी निशान दिया जाए जो हल्के दोनों हल्कों में किसी उम्मीदवार के पास नहीं है। इसके साथ साथ ही अजहर सदीक ने एडवोकेट ने भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात से वापस लेने के इकदाम को चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये जो सेक्शन है, ये शिक है, ये आईन के मुनाफी है। जी कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये शिक कानून के मुनाफी है। आगाह करने के लिए आपका इबाद बहुत शुक्रिया।